हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का पिन कैसे जनरेट करते हैं या फिर कैसे रीसेट करते हैं ये देखेंगे। हमें जब भी कोई नया एटीएम कार्ड मिलता है तो हमें उसको एक्टिवेट करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के मशीन पे जाके उसका पिन जनरेट करना होता है। लेकिन इसका और एक ऑप्शन भी है, आप BOI मोबाइल के थ्रू भी इसका पिन जनरेट कर सकते हैं या रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप में लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और आपका पिन एंटर करके लॉगिन करना है। अगर आपने अभी तक बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप ऊपर आए बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। BOI मोबाइल में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विसेज के आगे जो आपको एरो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर का एक टैब दिखाई देगा, यहाँ पे अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी अकाउंट्स बैंक ऑफ इंडिया में है उसकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। उसमें से आपको जिस अकाउंट में आपका ATM इशू है और आपको उसको पिन रिसेट करना है या फिर नया पिन जनरेट करना है तो आपको उस अकाउंट को चूज करके ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपने जो अकाउंट चूज किया है उस अकाउंट में जो भी कार्ड इशू है यहाँ पे आपको उसके नंबर दिखाई देंगे। इस अकाउंट में मेरा एक ही कार्ड इशू है तो यहाँ पे एक ही कार्ड नंबर दिखाई दे रहा है, उसके आगे भी जो एरो है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पे आपको डेबिट कार्ड का नंबर, वो एक्टिव है या नहीं वो दिखाई देगा, यहाँ पे उसका एक्सपायरी डेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है जनरेट और रीसेट पिन। अगर आपने नया नया ATM लिया है तो आपको उसका पिन जनरेट करना पड़ता है, तो आप यहाँ से रीसेट पिन पे क्लिक करके भी उसको जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक OTP मिलेगा जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, आपको सिर्फ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना न्यू नंबर, जो भी आप ATM पिन सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर उसको कंफर्म करके सबमिट कर देंगे तो फिर आपका पिन सेट हो जाएगा। लेकिन मेरा कार्ड पुराना है तो मुझे इसको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना पिन चेंज करना है तो फिर मैं चेंज पिन ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे दोबारा आपको एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको आपका ओल्ड पिन एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे अपना ओल्ड पिन एंटर करती हूँ। फिर आपको जो भी न्यू पिन सेट करना है उसको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कन्फर्म न्यू पिन, सेम पिन जो आपको सेट करना है उसको आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। आपका जो ATM का पिन रहेगा वो सिर्फ 4 डिजिट का ही रहेगा, तो आपको 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन बना के ही यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब भी आप पिन सेट करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके ही उसको सेट करना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया के BOI मोबाइल ऐप का ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे सेट करते हैं इस पे भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करती हूँ। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा कि डेबिट कार्ड पिन जनरेटेड और चेंज्ड सक्सेसफुली फॉर योर कार्ड। इसका मतलब आपके कार्ड में आपने अभी जो पिन सेट कर दिया है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके बाद आप अपना ATM और आपने जो नया पिन सेट किया है वो आप ATM मशीन पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और दो ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हॉटलिस्ट और ब्लॉक कार्ड। इस ऑप्शन पे जाके आपके पास जो ATM है, सपोज अगर आपका ATM गुम हो गया है तो आपको उसको ब्लॉक करवाना चाहिए ताकि कोई और उसका गलत यूज ना कर ले, तो आप BOI मोबाइल ऐप के थ्रू उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टेंपरेरी ब्लॉक का ऑप्शन भी है, अगर आपने ATM कहीं भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने ATM कहाँ रख दिया, तो आप उसको परमानेंटली ब्लॉक मत कीजिए, पहले टेंपरेरी ब्लॉक कर दीजिए।
और अपने एटीएम को ढूंढिए, अगर वो मिल जाता है तो आप यहाँ से अनब्लॉक करके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये थे डेबिट कार्ड सर्विसेज में कुछ ऑप्शंस बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं, वो आप BOI मोबाइल ऐप में यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप ATM का नया पिन जनरेट कर सकते हैं या फिर उसको रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपने BOI मोबाइल में अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो BOI मोबाइल में रजिस्टर कीजिए, उसकी लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।